इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 3 के स्टार्ट करना है। कोशिश करना है जैसे एक्सरसाइज आने सब साफ करें। एक्सरसाइज नंबर 3 ये काम दिया है वहां तकरीबन सही इंटीग्रेशन बाय सपोजिशन हो गया है, यानी कि 99% में भी हर सम में लेट सपोज पर तो हो गया तो लेट सपोज पर तरह हम तो विंडो आया था मैं पूरी लास्ट लेक्चर में समझाया हुआ है। तो जैसे कि ऐसा कि डेरिवेशन को जो ना हो तो जैसे कि ऐसा सपोज ना हो चुका हाने अजो ना सपोज एक्सरसाइज शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो सम नंबर 1 आए इंटीग्रेशन ऑफ 4x cube into x power 4 plus 1 whole power 3 upon 2 dx. जी तो बताने जो हम बता रहे हैं एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय सपोजिशन के तहत थी। तो सारे आसान है में सपोज जरूर लगा दी। इन्हें क्या कहता है हम रिएंट कर जाए तो x power 4 plus 1 whole power 3 upon 2 बना दी और 4x cube dx का लेट उठना ली x पावर 4 प्लस 1 z बराबर जो तो का लेट समावेश और नाम जे ने बता पावर हो है जो तो उने के ऐसा लेट उन में जो डेरिवेशन बाहर मौजूद होगा 4x x पावर 4 जो डेरिवेशन चलता 4x क्यू कोएफिशिएंट ऐसा के डेरिवेशन के बाद जब ले तो को प्रॉब्लम ना आए पर वेरिएबल में हो जाए x पावर 4 जो ने ऐसा डेरिवेशन करा 4x क्यू dx तो जो ने x क्यू dx में मौजूद आए तेरे का फाइनल फंक्शन के लेट उठता है z जेका फंक्शन का लेट उठना थी उन्हें की डेरिवेशन जरूर कराएगा डेरिवेशन बोथ साइड्स जरा इन फंक्शन की डेरिवेशन थी का कांस्टेंट टर्म की डेरिवेशन आ गई 0 थी या x पावर 4 की डेरिवेशन थी 4x क्यूब dx z की डेरिवेशन थी dz और चेक करना सकते हैं जो फंक्शन का साथ मौजूद है एज इट दो सामने दिन हुआ है या इनमें का एक्स्ट्रा शेयर है जगह एक्स्ट्रा शेयर हो तो आसान राइट हैंड साइड खरीदना सी तो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड चाहिए प्लस है माइनस को तो आपने गुना सब्ट्रैक्शन या एडिशन के लिए और ये ऐसा कर के डेरिवेशन की चीज है ऐसा ने लेट वर्क किया आने सब ने सुना था तो छा में कर दी थी इंटीग्रेशन का ये जो फंक्शन आए इन्हें कैसा लेट वर्क हुआ है z में इन्हें की जगह दे दी z 4 पावर 3 अपॉन 2 ये सजे के सजे फंक्शन का जैसे तो छा के बराबर भी हुआ है dc और ऐसा के सिंगल टर्म के लिए सिंगल टर्म की इंटीग्रेशन से खबर आता पावर में 1 पावर एट डिवाइड में लिखना थी लास्ट में प्लस सी लिखना थी तो 3 अपॉन 2 प्लस 1 करना था ये थी तो z पावर 5 अपॉन 2 अपॉन 5 अपॉन 2 प्लस सी 5 अपॉन 2 बते तो 2 अपॉन 5 तो व्हाट द वैल्यू ऑफ z z का वैल्यू आए x पावर 4 प्लस 1 होल पावर 5 अपॉन 2 प्लस सी आंसर। हमने जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन ऑफ 8x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 2 होल पावर 3 dx पर जब हम डिनोमिनेटर में मोर देन 1 पावर मिले मुझे तो ने के साथ डिनोमिनेटर में लिख देता है x क्यूब प्लस 2 होल पावर माइनस 3 इनटू 8x स्क्वायर dx साथ में ऐसा x क्यूब की जगह डेरिवेशन आए वो अच्छा बना दी 3x स्क्वायर यानी x स्क्वायर का मिली थी इट मींस सोसाइटी का लेट ऑफ फॉर्मूला x क्यूब प्लस 2 बराबर था z के सब प्लस देखो सारे बराबर होने के बाद वो ही बने होता थे डेरिवेशन बोथ साइड्स के लिए में डेरिवेशन x क्यूब की थी 3x स्क्वायर dx आई z की थी dz चले कि तू कांस्टेंट करना कांस्टेंट है कि डेरिवेशन 0 के लिए दिया है और ऐसा चेतन हो ऐसा आगे ते चाहे 8x स्क्वायर आई ते ऐसा करता 3x स्क्वायर पता ना सा सिर्फ कोई सिर्फ x स्क्वायर dx की वैल्यू पढ़ता हूं x स्क्वायर dx ऐसा के चार को अपने x स्क्वायर dx का दो dz अपॉन 3 जो तो 3 का मल्टीप्लाई करें बेटा आते डिवाइड कर दो हमारे सर सब को छात्र जो है ऐसा सब तब्दील की दो इन्हें की जगह दे दो z पावर -3 8 साफ हुआ x स्क्वायर dx का दो ऐसा के जो मिल रहा है dz अपॉन 3 dz का अगर जब प्रॉब्लम होगा वो कोएफिशिएंट का है कोएफिशिएंट का सारे चार बोलो 8 अपॉन 3 में कोएफिशिएंट बाकी ऐसा जो z पावर -3 dz अगेन ऐसा के सिंपल एक्सप्रेशन के लिए इन्हें ये इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन
दूसरा दाल इस आंसर तो बचे बीते बचे तो z पावर माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस c टू जी टेबल एट दे फोर टाइम तक ही माइनस टू टू प्लस माइनस फोर अपॉन तेरी थी जो z की वैल्यू चार साले को सी उठा ही आए लगा था z की वैल्यू डेट बढ़ती थी वो वापस रख लगा था x क्यूब प्लस टू होल पावर माइनस टू प्लस c ये थी जो आंसर अरे असाइड जो नेक्स्ट क्वेश्चन करा तो ताकि हमें क्वेश्चन समझ में आ जाए होगा क्वेश्चन नंबर 3 इन्हें क्वेश्चन जो थर्ड सम है इंटीग्रेशन ऑफ 3x इनटू 1 माइनस 2x स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन dx इन्हें के पर थोड़ा रियल करना है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 2x स्क्वायर और पावर अंडर इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 2 3x dx और इधर में तो दर्ज है जो 1 माइनस 2x स्क्वायर दी देन के साथ की माइनस 4x दी यानी x से संग मिली होने मिली तो नहीं पता नहीं लेट होता है 1 माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू है सेम के इतने के साथ डेरिवेशन बोथ साइड्स का इधर अच्छा कि लो माइनस 4x 3x इज इक्वल टू dz असा की बराबर चाहे असा की बराबर है 3x dx मिलो आए और x dx का साइन मिलो आए तो x dx की वैल्यू फाइंड करा दी x dx का जो बराबर आए माइनस dz का मान 4 और सम आसान तो दिल की दो जी से जो मैं बस समझा इंटीग्रेशन ऑफ dz के जो z पावर 1 अपॉन 2 इन एच के लिए 3 ऐसा ने सागा का dz अपॉन 4 माइनस का भी माइनस के साथ बढ़ती है पर कोएफिशिएंट का बाहर क्या है माइनस 3 अपॉन 4 बाहर चलो तो बराबर तो z पावर 1 अपॉन dz z पावर 1 अपॉन 2 की इंटीग्रेशन उन्हें ही फॉर्म देता है 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c और इन्हें जैसा कि बोला है एलसीएम सॉल्व करना थी तो 3 दो 3 अपॉन 2 ये 3 दो 3 अपॉन 2 प्लस c 3 अपॉन 2 जो है मतलब 3 दो तो 2 अपॉन 3 3 दो वैल्यू ऑफ z आसान आ है कि जना ने पर की जो बात सही वैल्यू थी 1 माइनस 2x स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2 प्लस c आणि ते 2 टेबल 4 दे टाइम लगेली 3 टेबल 3 ते 1 टाइम लगेली तो बाकी सारे तो माइनस 1 अपॉन 2 इनटू 1 माइनस 2x स्क्वायर होल पावर 3 अपॉन 2 प्लस c आंसर पूरा हुई तो तमा के में जो को असो ही लेक्चर समझ में चाहिए हो तो ये जो ट्रे क्वेश्चन असा पे आ गया है 6.3 एक्सरसाइज था तकरीबन 11 नंबर क्वेश्चन था या 9 नंबर क्वेश्चन था ये सब क्वेश्चन ही रहते हैं उन्हें का प्रोथो प्रोसेस चेंज हो थे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में